लेखन के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के चलते जिला बीजेपी अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से की इस्तीफे देने की मांग। 26 मार्च को प्रदेश में हिमाचल व्यापार मंडल की हड़ताल, व्यापार मंडल करेगा शराब स्वर्णकार एसोसिएशन का समर्थन। छोटे काशी मंडी में राज माधव राव के साथ मनाई गई होली, लोगों ने गाना को लगाया गुलाल। और दशराज सिंह के नाम रही नलवाड़ मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या, गानों की धुन पर दर्शक झूमते हुए आए नजर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने उम्मीद जताई है कि विधानसभा चुनाव 2017 की बजाय 2016 में भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार होने वाले चुनावों में बीजेपी पार्टी का मुख्य उद्देश्य पार्टी को भारी बहुमतों से जीत हासिल कर प्रदेश में विकास कार्यों को गति प्रदान करना है। आपको बता दें कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के बलद्वाड़ा में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और पंचायत की समस्याओं पर चर्चा भी की। कार्यक्रम के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया। रिपोर्ट के चैनल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की 8 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। इस मामले पर जिला भाजपा के अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने कहा कि प्रदेश की जनता को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी हमेशा से ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आरोप जड़ते हुए कहा कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी पार्टी के खिलाफ झूठे आरोप और प्रत्यारोप लगाते आए हैं, जिसके चलते प्रदेश मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्षता से जाँच होनी चाहिए, जिसके चलते जाँच एजेंसी अपने कार्य को पूरा करे। जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई ने रेड मारी, जब रेड की गई तो उसमें कई प्रकार के आरोप लगाए गए केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, जबकि सीबीआई निष्पक्षता से अपना काम कर रही है, अपनी जांच कर रही है। ठीक उसी प्रकार जब जांच की गई तो जांच में सामने आया कि किस प्रकार से वीरभद्र सिंह जी की सेब के बगीचे की आमदन कितना गुना एक वर्ष में बढ़ी, और जब डिटेल आई तो उसमें सेब ढोने के लिए किस प्रकार से स्कूटर के नंबर दिए गए हैं, स्कूटर पर सेब ढोए गए। और हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और उनके चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो चाहे प्रदेश स्तर के नेता हो, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जबकि जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच कर रही हैं, जिसका ये नतीजा है कि वीरभद्र सिंह जी की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति जो जब्त हुई है, ये इसी का परिणाम है। और हमारा ये मानना है कि तुरंत प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देकर
निष्पक्ष जांच हो सके, इसके लिए जांच एजेंसियां अपने काम को पूरा करें, ऐसा मेरा मानना है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को राजनीतिक बताया है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस शासित राज्यों में अस्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अटैच की संपत्ति का संबंध युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य से है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी ने अपने ही स्तर पर कार्यवाही को अमल में लाया, जिसे जल्द चुनौती दी जाएगी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। प्रदेश भर में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई अधिक एक्साइज ड्यूटी के विरोध में चल रही शराब स्वर्णकार एसोसिएशन की हड़ताल में हिमाचल व्यापार मंडल भी सहयोग करेगा, यह जानकारी हिमाचल व्यापार मंडल के सचिव हरमीत सिंह बिट्टू ने दी। वहीं उन्होंने पूरे व्यापार मंडल से 26 मार्च को हड़ताल करने का आग्रह किया है। हिमाचल व्यापार मंडल के सचिव हरमीत सिंह बिट्टू ने कहा कि सर्राफ स्वर्णकार एसोसिएशन व्यापार मंडल का एक हिस्सा है और हिमाचल व्यापार मंडल स्वर्णकारों का पूर्ण सहयोग करेगी। उन्होंने प्रदेश के सभी व्यापारियों को सूचना दी है कि 26 मार्च को अपना व्यापार बंद रखकर सर्राफा स्वर्णकारों का समर्थन करें, ताकि केंद्र सरकार पर सर्राफा स्वर्णकार एसोसिएशन की मांग को लेकर दबाव बनाया जाए। केंद्र सरकार द्वारा जो सराफा व्यापारियों पर 1% केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है, उसके विरोध में जो पिछले लगभग एक माह से देश भर के सराफा व्यापारियों द्वारा जो हड़ताल की जा रही है, जिसका कि असर हिमाचल में और मंडी में भी देखने को मिल रहा है, उसको इसके समर्थन में जो है वो, जैसे कि सराफा व्यापारी बेशक चाहे वो सराफा व्यापारी हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो व्यापारी वर्ग हैं, व्यापार मंडल के अधीन आते हैं, तो उनकी तरफ से हिमाचल व्यापार मंडल को जो था वो संपर्क किया गया और उनसे ये आग्रह किया गया हिमाचल व्यापार मंडल से कि हमारी जो ये देश भर में स्ट्राइक चली हुई है उत्पाद शुल्क को लेकर, इसमें आप लोग भी हमारा सहयोग दें, जो अलग सेगमेंट व्यापारी सेगमेंट है वो भी इसमें हमें सहयोग करें, ताकि केंद्र सरकार पर इस पर इस मसले को सुलझाने के लिए दबाव बनाया जा सके। तो उनकी इस मांग को देखते हुए हिमाचल व्यापार मंडल ने यह निश्चित किया है कि अब होली का त्यौहार निकल चुका है, तो इसलिए अब लोगों को भी असुविधा ना हो, इसलिए 26 मार्च का दिन जो है वो हड़ताल के लिए निश्चित किया गया है। तो 26 मार्च को आने वाले दिनों में जो है ये हड़ताल जो पूरे हिमाचल में इनके सहयोग करने के लिए हम बंद रखेंगे। तो मेरा सभी व्यापारी भाइयों से ये निवेदन रहेगा कि सराफा व्यापारियों के समर्थन में उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए जो अपना अपना व्यापार है पूरे हिमाचल में बंद रखें और इनको इसमें इनकी मांग को लेकर इनको सहयोग दें, ताकि केंद्र सरकार जो है वो जल्दी से जल्दी इनके साथ बातचीत करके इस मसले को सुलझाने के लिए आगे कदम उठाए। आपको बता दें कि प्रदेश भर में सर्राफ स्वर्णकार एसोसिएशन केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते हिमाचल व्यापार मंडल भी सर्राफ स्वर्णकार का सहयोग देकर 26 मार्च को हड़ताल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेले देवता मेले की सभी सुंदरनगर वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं सभी सुंदरनगर वासियों को अपील करता हूं कि सभी लोग मिलजुल कर इस मेले में आएं और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाकी एक संदेश जो है पूरे भारत में चला है स्वच्छता के बारे में, मैं सभी नगरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले और देवता मेले के सुंदरनगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि अपने नगर को सुंदर बनाएं, और समस्त पार्षदगणों की तरफ से मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। सुकेत की ऐतिहासिक नलवाड़ मेले पर और देवताओं के मेले पर मैं सुंदरनगर वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।
और ईश्वर से कामना करता हूँ कि सैकड़ों साल से मनाया जा रहा है ये मेला, देवताओं का मेला, नलवाड़ मेला, ये खूब हर्ष से खुशी खुशी से ये मेला यहाँ पर इस साल भी मनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें लोग भाग लें। और प्रशासन से मेरा विशेष तौर पर अनुरोध रहेगा कि पशुओं के चारे की ठीक व्यवस्था और पशुओं के इलाज के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए उनकी ठीक ढंग से व्यवस्था करें और इसी तरह से हमारे देवी देवताओं का ये परंपरागत मेला, इसमें भी मेरा इनसे यही निवेदन रहेगा कि देवताओं के ठहरने की, देवताओं के खाने की और उनका जो अपना ग्राउंड है नीचे उसमें ठीक तरह से बैठने की व्यवस्था भी की जाए। प्रदेशवासियों को एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सुंदरनगर की तरफ से नलवाड़ मेले और देवता मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मंडी एवं भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अजय राणा की ओर से आप सभी को राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला समिति सुंदरनगर के अध्यक्ष राजीव कुमार की ओर से आप सभी को नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राजीव कुमार ने आप सभी से अनुरोध किया है कि मेले के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। डीएवी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर के प्रधानाचार्य मोहित चुग की ओर से आप सभी को राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग, साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने जानकारी दी है 31 मार्च को कक्षाओं का परिणाम घोषित किया जाएगा, साथ ही एसएमसी की बैठक भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी अभिभावकों से निवेदन किया है कि इस बैठक में भाग लें और आगामी सत्र को लेकर विचार विमर्श करें। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों के अभिभावकों को उनके माताओं पिताओं से अनुरोध करना चाहूँगा, उनको संदेश देना चाहूँगा कि उस दिन अधिक से अधिक संख्या में स्कूल में पधारें, अपने बच्चों का रिजल्ट भी सुने। उसके पश्चात 11 बजे जनरल हाउस होगा जिसमें अगले सत्र से विद्यार्थियों के बारे में हमने क्या सोचा है या अभिभावक हमसे क्या उम्मीद रखते हैं इसके बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा और जो प्रस्ताव उस सभा में पारित किए जाएंगे उन प्रस्तावों को अगले सत्र से लागू किया जाएगा। अतः मेरा पुनः अनुरोध है सभी अभिभावकों से कि उस दिन अधिक से अधिक विद्यालय में पढ़ाने की कृपा करें। बात करते हैं रक्तदान शिविर की। कहते हैं कि रक्तदान महादान होता है, ये एक ऐसा दान होता है जो किसी को जीवन देता है। ऐसे ही रक्तदान शिविर का आयोजन क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में सदर बीजेपी युवा मोर्चा मंडी द्वारा किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य लोगों ने रक्तदान किया। आपको बता दें कि यह रक्तदान शिविर देश के सबसे बड़े क्रांतिवीर भगत सिंह के शहीदी दिवस पर किया गया था। भगत सिंह के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया ताकि किसी जरूरतमंद को समय पर ब्लड बैंक से रक्त की आपूर्ति की जा सके। और आज हमने शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ये तय किया कि हम अपना खून दान करेंगे।
पिछले कल होली पर्व होने के कारण ये संभव नहीं हो सका, तो आज 24 मार्च के दिन हम अपना रक्तदान करेंगे। तो जो मेरा यही कहना रहेगा इस देश के युवाओं से कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी विचार हमें अपने मन में लाने चाहिए। मैं रक्तदान करना चाहता था कि मेरा खून किसी गरीब या किसी के काम आ सके, किसी की ज़िंदगी बच सके, इसलिए मैंने जो है अपना रक्तदान किया है। धन्यवाद। लोगों को क्या मैसेज देना चाहें आप रक्तदान के बारे में? लोगों को सर यही है कि लोग भी हमारी तरह से रक्तदान करें और गरीबों के किसी गरीब के लिए किसी की जान बच जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। रक्तदाता द्वारा किया गया रक्तदान एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो न केवल रोगी की जान बचाता है बल्कि समाज की सेवा भी करता है। मानव रक्त की आपूर्ति केवल मानव रक्त ही कर सकता है। रक्त संचारण से केवल जीवन दान ही नहीं मिलता बल्कि स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। अभी फिर से वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हां, मंडी के पटल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इंपोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहां उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल पटल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मंडी। नागजला के मशहूर बर्तन विक्रेता हरनाम दास एंड सन्स। जी हाँ, हरनाम दास एंड सन्स स्टील, मेटल और यूटेंसिल्स मर्चेंट आपकी सेवा में शिवरात्रि मेला ग्राउंड तक आ पहुँचे हैं। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि महोत्सव के दौरान कीजिए बर्तनों की जी भर के खरीदारी। मेला ग्राउंड में स्टॉल का नाम जरूर याद रखें। नागचुला के मशहूर हरनाम दास एंड सन्स शिवरात्रि मेला ग्राउंड पड्डल मंडी हिमाचल प्रदेश। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस मंडी। डॉक्टर हेमंत कुमार, मेडिकल स्पेशलिस्ट, अर्लियर वर्किंग इन मांडव हॉस्पिटल, ओपन्ड न्यू हॉस्पिटल विद फर्स्ट टाइम मॉडर्न फैसिलिटीज इन द सेंटर एंड हार्ट ऑफ मंडी टाउन एट हॉस्पिटल रोड, नीलकंठ हॉस्पिटल। हियर 24 आवर इमरजेंसी फैसिलिटीज अवेलेबल। यहां आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहां एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्पेशल प्राइवेट रूम्स अवेलेबल। वी हैव ऑपरेशन थिएटर विद मॉडर्न एंड न्यू इक्विपमेंट्स। ऑल्सो कॉन्टैक्ट फॉर ENT प्रॉब्लम। वी ट्रीट विद जेन्युइन चार्जेस। नीलकंठ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, मंडी। डलहौजी के सदर बाजार की रहने वाली एक 70 साल बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे और बहू पर घर से निकालने का आरोप लगाया है। वहीं महिला के मुताबिक वह पिछले कुछ दिनों से पड़ोसियों के घर रहने को मजबूर है। वहीं वृद्धा ने अपने पुत्र और बहू के खिलाफ उप मंडला अधिकारी के समक्ष भी शिकायत दर्ज करवाई है। महिला से मिली जानकारी के अनुसार बेटे और बहू ने उसको घर से निकाल कर ताला लगाया और उसका दाना पानी बंद कर दिया। इसके बाद से ही पीड़ित ने पड़ोसियों के घर को शरण स्थली बनाया हुआ है और वहां अपना जीवन यापन कर रही है। लेकिन जब वह अपने पुत्र से आश्रय मांगने गई तो उसे उस पुत्र ने दुत्कार कर भगा दिया और घर के बाहर ताला जड़ दिया, जिससे निराश होकर उसने पुत्र और बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी।
लिहाजा पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पीड़ित मां प्रकाश कौर ने कहा कि यह घर उनका है, उनके पति के नाम पर, फिर भी उन्हें उनके बड़े बेटे और बहू ने घर से बाहर निकाल दिया है, जिससे वह पड़ोसियों के घर रहने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि वह अपने घर रहना चाहती है। कान मेरी है, मेरे चार बच्चे है, दो सेटल आए, किस्मत ने ऐसे लिहार दिते, लवजी रहिंदा ही इन्नू भी धक्या ना बाहर कढ़िया। मैं कहा मेरे बच्चे नू पाल ला दुकान ते, दोए भरा जिदा अगे कर रहे हो, मेन मेरे घर दी, मैं पड़ोसियां को रह रही हां, पड़ोसियां मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, हुण मेरे आ जिहड़े खलोते आ मेरी हेल्प कर रहे हैं, ते कहंदा मतलब मेरे घर वाड़ दो मेनू, मैं रात नू रजाई ला के बड़ा मेनू, मेरे अजय पाल सिंह ने, मिंटू ने कढ़िया मेनू बाहर, मेरी नूह ने मेनू कढ़िया, मेरी नूह ने, पुत्र ने मेरे अजय ने, मैं वड्डे तो छोटा जे दरवाजा मेरा खोल दो, नहीं तो खुद खोल लवांगी, मैं खुद खोल लवांगी, ते मैं अपने अंदर जाना चाहनी, मैं कोई पुत्र दाबने दे विच नहीं जा दूसरी बेटी ने कहा कि यह घर उनका है और उन्हें उनके भाई और भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया है और वह चाहते हैं कि उन्हें घर और दुकान में रहने दिया जाए। बस ये घर हमारा है, मेरे भाई ने कब्जा कर लिया, मैं माँ के साथ आया हूँ घर जाने के लिए। सुबह SDM साहब को रिक्वेस्ट की थी, एक एप्लीकेशन मार्क करवाई थी SHO को, और हमारी अच्छे से हेल्प नहीं हुई। हम चाहते हैं कि घर ताला तोड़ दिया जाए और हमें घर में एंटर करा दिया जाए, बस और कोई दरख्वास्त नहीं है हमारी, जो नहीं हुआ। पुलिस भी आई मौके में, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनी और केस फॉरवर्ड कर दिया कि पता नहीं 10 साल लगेंगे 15 साल लगेंगे, तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे, हमें घर में एंट्री नहीं मिली, हमारी रिक्वेस्ट है हमें घर में एंट्री मिली। SDM डलहौजी गौरव चौधरी ने बताया कि इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई है और मामले के हर पहलू की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। ये जो कल जो इशू हुआ, जो एक लेडीज जो घर से बाहर निकाल दी, सर उसके बारे में था? हाँ, वो माता जी मेरे पास आई थी सुबह, तो मैंने वो एप्लीकेशन SHO साहब को मार कर दी थी और तहसीलदार साहब को मार कर दी थी, और साथ ही स्पॉट की इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन करके बाद जो भी है कार्रवाई की जाए, तो सोचा मैंने आपको बताया कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। सर एक और थी कि क्या वो जो जो इस टाइम मालिक पे कब्जा, जो मकान पे कब्जा करके बैठा है, क्या उसको राइट है कि ओल्ड एज पेरेंट्स को अबंडन करना, ये कोई लॉ में है इसके बारे में? अब इसमें तो ये जुडिशियल मैटर है, इसमें कमेंट हम तभी कर पाएंगे जब ये कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो इसको डिसाइड करेगा। अच्छा, आफ्टर कोर्ट सर? इसमें मिस की अभी जो आपकी पावर है उसमें कोई राइट नहीं आपका कि आप उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते? इसमें जो मेरे पास था वो मैंने जैसे SHO साहब को बोला कि वो जाएं और जो लेडी है बाहर है उनको कोई प्रॉपर शेल्टर दिया जाए, और उनको बोला गया कि एज पर लॉ जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको ले रहे हैं। क्या जो शेल्टर है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है शेल्टर? अगर उनको शेल्टर चाहिए तो अगर क्या वो कानूनी तौर पर मिल सकता है उनको शेल्टर? शेल्टर कानूनी तौर पर हाँ मिल सकता है, अगर वो प्रॉपरली जैसे वुमेन या ओल्ड एज होम्स होते हैं उसमें हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं, अगर ऐसी नीड वो हमारे पास पेश करते हैं। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। अभी लेंगे यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।